हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट टू ऑफ योर 11th चैप्टर ऑफ योर 8th क्लास हिस्ट्री. द चैप्टर नेम इज स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, चैप्टर 11. सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर, यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो इस वीडियो के एंड होते ही उसकी लिंक प्रोवाइड आपको दी जाएगी और आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो. तो इस वीडियो में मैं जनरली फेमिनिस्ट मूवमेंट, हमने वर्क आता था फार्मर्स मूवमेंट और पीजन मूवमेंट, देन वर्कर्स मूवमेंट ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर लिया. ये वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं फेमिनिस्ट मूवमेंट, उसके बाद दलित मूवमेंट एंड रोल ऑफ डॉक्टर अंबेडकर एंड शाहू महाराज कवर करूँगा, राइट. तो फेमिनिस्ट वर्ड जब आए ना, वेन एवर द वर्ड फेमिनिस्ट कम, फेमिनिस्ट मतलब रिलेटेड टू फीमेल, रिलेटेड टू वुमेन्स. सो इन आर इंडियन सोसाइटी, अवर इंडियन सोसाइटी बेज ऑन इनइक्वालिटी, राइट. कोई हमारे जो हमारे आज भी देखो, हमारे समाज में ऊंच नीच बहुत है. तो आज से 150 साल पहले कितना ऊंच नीच होता होगा. एंड इन द इंडियन पार्लियामेंट वुमेन्स आर गिवन द सेकेंडरी पोजीशन, यानी कि सेकेंडरी, वुमेन्स को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था, इनकरेजमेंट नहीं दी जाती थी. पहली बात तो ये बता दूँ कि आज से 100 साल पहले हमारे इंडियन सिस्टम में बहुत सारे सोशल इविल्स थे, जैसे कि आपने सुना होगा प्रैक्टिस ऑफ सती. अब ये सती क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ सती इन विच अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो वुमेन्स को, उसकी बीवी को, उसकी वाइफ को उसके हस्बैंड की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था. दैट इज द बैड प्रैक्टिसेस वाज प्रोपगेटेड इन द एंशियंट मेडिवल टाइम्स और मॉडर्न टाइम्स. तो ये सारी बैड प्रैक्टिस को हमारे सोशल रिफॉर्मर ने वन बाय वन एंड किया, राइट. ड्यू टू मेनी एविल्स प्रैक्टिसेस दे वर सब्जेक्ट टू इनजस्टिस, ना इंसाफी होती थी उनके साथ. बट डूइंग मॉडर्न पीरियड देर वॉज एन अवेकनिंग अगेंस्ट इट. सम ऑफ द मेल रिफॉर्मर्स टुक इनिशिएटिव इन द रिफॉर्म मूवमेंट रिलेटेड टू वुमेन्स. इन द कोर्स ऑफ टाइम वुमेन्स लीडर स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड. सो वुमेन्स लीडर भी आना स्टार्ट कर दी. जैसे कि हमने देखा कि द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल वॉज ओपन बाय द महात्मा ज्योतिबा फुले इन पुणे. पूरे इंडिया में गर्ल्स के लिए कोई स्कूल ही नहीं था, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने आज से 100 साल पहले पुणे में पहली गर्ल्स स्कूल ओपन की. यानी कि इसका मतलब ये है कि उससे पहले गर्ल्स को एजुकेशन के लिए रोका जाता था, गर्ल्स को सिर्फ काम, किचन के काम या घर के काम के लिए माना जाता था. सो जब ये एजुकेशन पढ़ा हुआ एक जो वुमेन्स ने, लड़कियों ने एजुकेशन ली, फिर वो वुमेन बनी, उन्होंने अपनी लड़कियों को एजुकेशन दी, तो ऐसे कड़ी बढ़ती गई. सो मोर एंड मोर वुमेन्स गेट एजुकेटेड, सो दे कम फॉरवर्ड टू टीच द मोर वुमेन्स. तो देर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन केम टू बी स्टैब्लिश. पंडित रमाबाई स्टैब्लिश द आर्या महिला समाज एंड शारदा सदन. सिमिलरली सेवा सदन फाउंडेड बाय द रमाबाई एंड रानाडे एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. सो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस इन 1927 वर फाउंडेड एज वेल. देर फॉर दिस इंस्टीट्यूशन वर्क रीच एट द नेशनल लेवल. फॉर दिस सच इश्यू इज द राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू वोट एक्सेट्रा. वुमेन हैड टू स्ट्रगल थ्रू द मीडियम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो अर्लियर वुमेन्स को राइट टू इनहेरिटेंस भी नहीं दिया जाता था. यानी कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक बाप है, उसकी एक लड़का है, एक लड़की है, वन डॉटर एंड वन सन. तो उसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी मरने के बाद, वो सारी की सारी उसके लड़के को मिलेगी. ये ऐसा समाज में चलता था. यानी कि लड़की को कुछ भी नहीं मिलेगा, लड़की को जीरो प्रॉपर्टी मिलेगी तो लड़के को 100% मिलेगा. ये सारी बैड प्रैक्टिसेस इनइक्वलनेस थी हमारे जो समाज में, बराबरी नहीं थी, लड़कियों को औरतों को निचला माना जाता था. तो फिर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, तो वहाँ से राइट टू इनहेरिटेंस भी दिया गया है ताकि लड़कियों को भी बराबर मिले हिस्सा. तो उनको साथ साथ में राइट टू वोट, यानी वोट देने का भी हक नहीं था, तो उसके लिए उनको उसके बाद से राइट देने का, वोट देने का भी हक मिला. अब ये बता दूं कि रखमाबाई जनार्दन सावे वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग वुमेन डॉक्टर इन इंडिया. और इसके अलावा जो थी आनंदीबाई जोशी वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल डॉक्टर थी, क्योंकि उनका जो लड़का 10 दिन के बाद ही उनका डेथ हो गया था. तो उन्होंने शादी के बाद, यानी माँ बनने के बाद, जब उनका लड़का 10 दिन के बाद डेथ हो गई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि आई शुड बिकम अ डॉक्टर. तो डॉक्टर आनंदीबाई जोशी वॉज द फर्स्ट वुमेन डॉक्टर इन इंडिया. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द दलित मूवमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट द इंडियन, या देखो फर्स्ट सेंटेंस पूरे चैप्टर का, सॉरी दलित मूवमेंट का पूरा समरी है. द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर वॉज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी इंडिकेट देयर वॉज अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटी. देर वॉज नॉट इक्वलनेस. एक अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है. आज भी आप सुना होगा दलित कम्युनिटी और ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स अपने आप को, ब्राह्मण्स जो थे ऊंची अपर कास्ट मानते थे, और दलित जो थे वो भी हिंदुइज्म का पार्ट था. लेकिन आज़ादी के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों को ट्रांसफ़र कर लिया कि वो बुद्धिज़्म में अपना रिलीजन चेंज कर ले, क्योंकि
हिंदुइज्म में अपर कास्ट लोअर कास्ट बहुत ज़्यादा है इस वजह से. सो इनइक्वालिटी द, क्योंकि हमारे समाज में आज भी देखो हमारे हिंदू रिलीजन में कितने सारे कास्ट है, लाइक ओबीसी अलग है, ओबीसी में भी कई इन 100 नंबर ऑफ माली है, फुल माली है, हाफ माली है, लाइक कितने सारे कास्ट है, राइट. सो द सोशल रिफॉर्मर लाइक महात्मा ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु ब्रॉट अबाउट द अवेकनिंग ऑफ द पीपल अगेंस्ट द अनजस्ट ट्रीटमेंट गिवन टू दलित्स इन द सोसाइटी. अब आ जाता है, मैं आपके सामने पिक्चर क्लियर करता हूँ कि दलित्स कौन है. दलित वर कंसिडर द वेरी लोअर कास्ट इन अवर सोसाइटी. जिनको अब दलित्स को लोअर कास्ट क्यों समझा जाता था, उनको ये समझा जाता कि अगर उनके वो अगर हमको छू ले तो वो अछूत है, जिसको इंग्लिश में अनटचेबिलिटी कहते हैं, राइट. अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी अन टच मतलब कि वो टच नहीं कर सकते, अगर वो हमको टच कर लिए तो हमको अशुद्ध, हम अशुद्ध हो जाएगी और हमको स्नान वगैरह करना पड़ेगा शुद्ध होने के लिए, राइट. ये माना जाता था. साथ साथ में दलितों को फॉर एग्जांपल डॉक्टर अंबेडकर ने जब उनकी एजुकेशन ली तो वो सारे बच्चे डेस्क पे बैठते थे, बेंच पे बैठते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर नीचे दरवाजे के पास बैठते थे. उसके बाद अगर दूसरी चीज़ बताओ कि दलितों को कॉमन टेम्पल में एंट्री नहीं थी, पूजा करने के लिए एंट्री नहीं थी, जहाँ से सारे लोग पानी पीते थे जिस नल से, जिस टैप से, दलितों को वहाँ से पानी लेने का परमिशन नहीं था. तो ये सारे जो अत्याचार और ऑपरेशन यानी कि जो उन पर जुल्म होते थे, अत्याचार होते थे, इसके खिलाफ सोशल रिफॉर्मर आगे आके आवाज़ उठाए, राइट. इसमें यही बताया गया है. सो लाइक दलित इन द फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ द महात्मा फुले, गोपाल वालंगेकर, शिवराम जम्बा कामले वर्क फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी. इरेडिकेशन मतलब खत्म कर दिया अनटचेबिलिटी को. उन्होंने बताया कि दलित वर नॉट अ लोअर कास्ट, दलित भी आपके सरी बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है. इनका कहना सही था. सो इन 1888 गोपाल बाबा वालंगेकर इन हिज बुक विट्टल विद्वानसन कॉन्डेम द अनटचेबिलिटी. कॉन्डेम मतलब उसकी पुरजोर मतलब अपोज किया, पुरजोर मतलब उसकी कॉन्डेम मतलब कि गलत करार दिया कि अनटचेबिलिटी बहुत ही गलत चीज़ है, इसको हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. शिवराम जाम्बे कामले स्टार्टेड द मैगजीन कॉम समावंशीय मित्र ऑन 1 July 1908. ही रेज द वॉइस रिगार्डिंग द इश्यूज ऑफ मुरलीज एंड ज्योतिन्स. ही ऑल्सो टुक इनिशिएटिव ऑफ द मैरिज ऑफ देवदासीज. लाइक जो उनके इश्यू थे, अब दलित में मुरलीज एंड ज्योतिन्स दे आर द पार्ट ऑफ द दलित, उनके जो हक के खिलाफ के साथ हक के लिए आवाज़ उठाया. और ही ऑल्सो टेक अ इनिशिएटिव फॉर द मैरिजेस ऑफ देवदासीज. अब यहाँ पे देवदासी क्या है, देवदासी आर दोज, जैसे अब पहले पुराने ज़माने में ये था कि अगर एक फादर के पास बहुत सारी लड़कियाँ हैं तो अपनी एक दो लड़कियों को मंदिर में पुजारी की सर्विस के लिए दे देगा, राइट. तो उसको बोलेंगे देव मतलब भगवान, देवदासी, कि वो भगवान की भक्त बन जाएंगी, वो अपनी होल लाइफ वहीं पर सर्विस प्रोवाइड करेगी, उनकी शादी भी नहीं होगी, राइट. तो उन्होंने एडवोकेट किया कि आप देवदासी की भी शादी होना चाहिए. इन तमिलनाडु प्रियार रामास्वामी स्टार्टेड द मूवमेंट फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी. इसके अलावा आपको क्वेश्चन भी आएगा, इन 1906 महर्षि विट्ठल रामाजी शिंदे स्टार्टेड द डिप्रेस्ड क्लास मिशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द दलित्स, राइट. तो कुल मिला के हमने ये देखा कि दलित को, और साथ साथ में उन्होंने कहा कि दलित्स दैट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर वर्क वॉज टू मेक द दलित सेल्फ रेस्पेक्टफुल, क्योंकि दलित भी अपने आप को उस वक्त बहुत ही निचला जानते थे, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे. तो इसलिए उन्होंने दलित को एजुकेट किया कि तुम अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट करो, एजुकेट किया उनको, इंगेज इन द वर्क, उनको अच्छे कामों में इंगेज किया. लेकिन दलितों से लोगों पहले क्या काम कराते थे, सिर्फ जैसे कि बाथरूम को और लैटरिन वगैरह साफ करवाने का जो काम है वो सिर्फ दलितों का था, कि दलित को यही काम माना जाता था, तो दलितों को कोई अच्छा काम नहीं दिया जाता था. सो वाइल द सेकेंड पार्ट ऑफ देयर वर्क वॉज द डिस्ट्रॉय द डिलिशियस आइडियाज रिगार्डिंग द दलित इन द माइंड्स ऑफ द अपर कास्ट. और दूसरा उनका काम यह था कि जो अपर कास्ट थे तो उनके माइंड में दलित की जो इमेज बनी हुई है उसको ख़त्म करना, कि दलित छोटे हैं, जो दलित अनटचेबल है, सारी गलत चीज़ है, तो वो ये चीज़ उन्होंने ख़त्म की. अब यहाँ पे देखिए राजा राजश्री शाहू महाराज है ना, शाहू महाराज के काम क्या है, और डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दलितों के मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ कर दी, उनके हक के लिए शाहू महाराज ने उनको सपोर्ट किया. लेकिन शाहू महाराज ने क्या किया कि इंटर कास्ट, क्योंकि दलित को बहुत ही निचली कास्ट माना जाता था, तो शाहू महाराज ने इसका सलूशन निकालने के लिए, शाहू महाराज जो थे पहले उस वो महाराज कहाँ थे, कोल्हापुर के, जो हमारा अभी एक सिटी है साउथ महाराष्ट्र में कोल्हापुर, तो उसके महाराज थे. तो उन्होंने स्टार्ट किया कि इंटर डाइनिंग के एक बेंच पे, यानी उन्होंने खुद जो क्या शाहू महाराज जो थे अपर कास्ट थे, ब्राह्मण थे,
लेकिन उन्होंने दलितों के हाथ से खाना स्टार्ट किया, इंटर डाइनिंग स्टार्ट किया, इंटर कास्ट मैरिज स्टार्ट किया, इंटर मैरिज इज फॉलोड देन द कास्ट डिस्टिंक्शन विल बी नॉट अपरूटेड, कि एक अपर कास्ट एक लोअर कास्ट दलित से शादी करेगा तो धीरे धीरे सारी जो गलत रस्में हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने एक अच्छा काम स्टार्ट किया। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेज गवर्नमेंट, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत ही पास द एक्ट ऑफ द इंटर कास्ट मैरिज एंड गिव इट अ लीगल एक्सेप्टेंस इन द स्टेट, क्योंकि उस जमाने में कोल्हापुर एक सिटी नहीं था बल्कि एक स्टेट था, तो उस जमाने में उन्होंने एक लॉ पास करवाया, एक्ट मतलब कानून लॉ, इससे पहले मैंने बता चुका हूँ कि अब इंटर कास्ट मैरिज कर सकते हैं, अगर कोई इसके अपोज में आता है तो उसको हम सज़ा देंगे, राइट। और उन्होंने बालूतीदारी सिस्टम को भी ख़त्म किया, कि दलितों को मतलब कि बहुत छोटा काम दिया जाता था, तो उन्होंने परमिशन दिया है, परमिशन वॉज ग्रांटेड टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन बाय द एनी वन, कि अगर कोई दलितों को अच्छा काम नहीं देता तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, राइट। सो बाय गिविंग दिस फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब एक अपना जो भी जॉब, हर किसी को फ्रीडम है। आज भी हमारे देखो आर्टिकल 16 में है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट, हम अपनी एवरी इंडियन अपनी मर्जी से कोई भी जॉब कर सकता है, राइट। बाय शाहू महाराज द पीपल वेयर फ्रीड फ्रॉम अ टाइप ऑफ सोशल स्लेवरी, मतलब जो सामाजिक गुलामी से बचाने के लिए उन्होंने एक स्टेप उठाया। सो आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो। सो इसके अगले पार्ट में जो लास्ट पार्ट रहेगा, ना सिर्फ मैं इसमें अगला पार्ट देखना ना भूले, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर के जो काम है और डॉक्टर अम्बेडकर के जो रूल है और दलितों के साथ किस तरीके की जो नाइंसाफ़ी होती थी और डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर आगे चल के क्या किया उनको इंसाफ दिलाने के लिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में, जो कि आपको डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट, ना सिर्फ आपके एग्जाम में बल्कि आपके फ्यूचर में आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगी, राइट। इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करके दूंगा। सो अगर आप अभी तक की आपने वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, और साथ साथ में एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू।